चलिए जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 से रिलेटेड है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अगर आप टेस्ट योर नॉलेज देखेंगे तो। कोशिश करेंगे कि दो सेशंस में हम लोग इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम लोग हर रोज़ लाइव आते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी को अगर फास्ट ट्रैक बैच परचेज़ करनी है या बूस्टर बैच परचेज़ करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आरटीपी एमटीपी सेशन भी लिया था। करीब करीब 52 वीडियोस है उस वीडियो सीरीज़ में, 55-56 आवर्स के कुछ वीडियोस है जिसमें हमने सारे आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो वो वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज़रूर देखिएगा। वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दो पार्ट में हम पूरा ख़त्म कर रहे हैं, एक आरटीपी एमटीपी और एक टीवाई की क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, कमिंग डाउन टू पेज नंबर 13.110। हेलो हिमांशु जी, गुड इवनिंग मनिंदर जी, हेलो सलोनी जी। हिमांशु जी, बस आज 6 बजे क्लास हो रही है, हर रोज़ 6 बजे क्लास नहीं होगी। मेरी इवनिंग में कहीं बैच चालू है। अब आज फ्री था तो मैंने बोला आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग मैंने दोनों टाइम सेशंस ले लिए ताकि हम लोग एट पार रहे। मेरी इच्छा है कि रिजल्ट के पहले एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पूरे के पूरे यूट्यूब पे हो जाए, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन तब तक के, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे देखेंगे कैसे क्या सेशंस लेने हैं। वैसे ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कंपनी ए एंड कंपनी बी आर इन पावर बिजनेस। ए होल्ड्स 25% इक्विटी शेयर्स ऑफ बी। ऑन 1 नवंबर ए ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ बी व्हेन इट अक्वायर्स फर्दर 65%। तो आपके पास ऑलरेडी 25% थे, आपने और 65% अक्वायर कर लिया, 90% हो गया आपके पास। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इस पॉइंट पे हमारे पास कंट्रोल आ गया। तो भाई क्या पे किया हमने 65% के लिए? 25% तो अपने पास ही है, 25% अपने पास ही है। 65% के लिए अपन ने क्या पे किया? कैश 59 लाख, 1 लाख शेयर इशू किए हमने, 1 लाख शेयर दिए सामने वाले के शेयर होल्डर्स को। द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू इज 10 रुपीज़, बराबर। तो ये दोनों ही हमारे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। चलिए आइए लिखते चले जाते हैं। आपने कैश पे किया, मैं कैश लिख देता हूँ 59 लाख्स। फिर उसके बाद आपने शेयर्स भी दिए हैं, शेयर्स को फेयर वैल्यू पे कंसिडर किया जाता है, बराबर। तो 10 लाख रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, कॉन्टिंजेंट मतलब सब्जेक्ट टू, जो किसी पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये कंसिडरेशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ए एग्रीज टू पे एडिशनल 7 लाख इफ, तो जब भी इफ वर्ड यूज हुआ है मतलब कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है। इसमें एग्जामिनर ने टीवाई के में लिख के दिया ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है। रिमेंबर एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा कि ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इफ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एक्सीड 70 लाख रुपीज ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑन एक्विजिशन डेट, इट इज नॉट कंसिडर्ड प्रोबेबल, नॉट कंसिडर्ड प्रोबेबल कि एक्स्ट्रा कंसिडरेशन देना पड़ेगा, यानी आपको नहीं लग रहा कि टर्नओवर इतना अचीव होगा। और फेयर वैल्यू इज डिटरमिन टू बी 3 लाख रुपीज ऑन द एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट जिस दिन आप अक्वायर कर रहे हैं उस दिन फेयर वैल्यू 3 लाख रुपये। क्या ये हमारे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है? आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे परचेज कंसिडरेशन पार्ट का है, पार्ट है या नहीं? लेट्स इग्नोर दिस, इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। वॉट डू यू थिंक ये हमारे पी सी का पार्ट है या नहीं है? क्या लग रहा है आप लोगों को बताइए। क्या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पीसी का पार्ट होता है, हाँ या नहीं? तो शीतल जी का कहना है कि है, ठीक है। सलोनी जी का कहना है कि नहीं है। नो रिमेंबर, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन अगर आप दे रहे हैं, अब वो प्रोबेबल हो कि देना है या नहीं हो डजेंट मैटर, वो पीसी का पार्ट होता है। आप उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिन करते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा 3 लाख, और उसे पीसी का पार्ट मान लीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि ये देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, मैटर नहीं करता। तो ये 3 लाख रुपये भी आपके पीसी का पार्ट होगा। अब इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होती है, हमको ये जानना है कि भाई कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर आप बोलते हैं कि आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने वाले हैं, अगर आप बोलते हैं कि आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने वाले हैं, तो आप इसको इक्विटी मान के अकाउंट करते हैं, यानी आपने इस दिन जो वैल्यू मान ली बस यही वैल्यू है, अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 3 लाख ही रहेगी। अगर आपने इसके बदले में शेयर्स दे दिया तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन डेबिट टू शेयर्स, ठीक है, 3 लाख रुपए ही रहेगा, इसमें कोई सब्सिक्वेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है।
पर अगर ये वेरिएबल है या वेरिएबल या अदर्स, इसके अलावा फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स के अलावा कुछ भी और है, तो आप इसे लायबिलिटी मानते हैं। हर साल के एंड पे आप इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं, हर साल के एंड पे आप इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं और डिफरेंस को पीएल में डालते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये पे ही ना करना पड़े, तो डिफरेंस पूरा पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में जो पे कर रहे हैं वो अमाउंट 3 से ज़्यादा आया, 7 लाख 8 लाख कुछ भी अमाउंट आया, तो वो वाला अमाउंट फिर उस समय आपके पीएल में डिफरेंस का अमाउंट चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर पीसी। चलिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भाई, एंटिटी को अक्वायर करते समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है, हमेशा याद रखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएल में जाता है। डिपेंड करता है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि ये किससे रिलेटेड है। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ यार ये पीएल में जाएगा, ये एडमिन एक्सपेंसेस है, ये एडमिन एक्सपेंसेस है, ये हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन में परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाउएवर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दो तरह के होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दो तरह के होते हैं। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जो कि रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं भाई, पूरे टर्म्स वगैरह फाइनलाइज करने में, सामने वाले के साथ में कांटेक्ट करने में, कि किसी की कंपनी खरीदी, बीच में एजेंट बैठा था, एजेंट को कमीशन दिया, ये सब चीज़ें होती है ना, मर्चेंट बैंकर होता है बैठा हुआ पैसे लेता है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो ध्यान रखिए अगर ये शेयर इशू से रिलेटेड है तो अदर इक्विटी में डाल दीजिएगा, तब ये पीएल में नहीं जाएगा, तब ये पीएल में नहीं जाएगा, पर अगर उससे रिलेटेड नहीं है तब पीएल में जाएगा। अब इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा कि ये किस चीज़ से एक्विजिशन से रिलेटेड है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो पीएल में डालते हैं, अदर्स मानते हैं। अगर लिखा है स्पेसिफिकली फॉर इशू ऑफ शेयर्स, लिखा है स्पेसिफिकली फॉर इशू ऑफ शेयर्स, तो रिमेंबर उसको अदर इक्विटी में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये बचे हुए 10% की बात कर रहा है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। जो आपके पास पहले से हेल्ड शेयर्स होते हैं, 25% आपके पास पहले से थे, ये इंक्लूडेड थे बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए पे, आपके बुक्स में 6 लाख रुपए के दिख रहे थे जो 25% आपके पास थे। आज इनका बाजार भाव 20 लाख है, आज इनका बाजार भाव 20 लाख रुपए है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू विद दिस 20 लाख रुपीज़? ये भी आपके परचेज कंसिडरेशन का पार्ट माना जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या अमाउंट पे, मैंने खरीदा तो 6 लाख पे था, मैंने खरीदा तो 6 लाख पे था, तो अभी परचेज कंसिडरेशन में 6 लाख लूँ या 20 लाख? आपको क्या लगता है हमें क्या लेना चाहिए, 6 लाख लेना चाहिए या 20 लाख लेना चाहिए? प्लीज ट्राई टू आंसर, एवरी वन, सभी लोग ट्राई कीजिए। मैंने इस एंटिटी को जो अक्वायर किया उसमें पहली 25% शेयर्स थे, मैंने खरीदा था 6 लाख में, बुक्स में 6 लाख रुपए में दिख रहा, आज इसका बाजार भाव 20 लाख है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, मैंने इसे 20 लाख पे दिखाना चाहिए कि 6 लाख पे दिखाना चाहिए? हाँ, हिमांशु जी का कहना है 20 लाख, सलोनी जी का कहना है कि सर 16 लाख रुपये पीएल में जाएंगे, 16 लाख रुपये नहीं ना सलोनी जी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप, 14 लाख रुपीज़ समझ में आता है, 20 लाख है ना, 20 लाख, 20 लाख, तो यस प्रीवियसली हेल्ड भी आपके पीसी का पार्ट होता है, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ठीक है। अब आपके बुक्स में इसकी क्या अकाउंटिंग भी होगी वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, मैं भूल गया तो मुझे याद दिला देना प्लीज़, ठीक है। मेरे हिसाब से हमने सब कुछ कर दिया, उनके एसेट्स की फेयर वैल्यू थी 60 लाख रुपए, तो हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा पीसी, 59, 69, 79, 89, 90, 2 लाख रुपीज़, 92 लाख रुपीज़। देयर इज अ फॉर्मूला इन बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर, परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू में मेजर किए जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव फिगर है तो ये गुडविल है, और अगर ये नेगेटिव फिगर है तो ये कैपिटल रिजर्व है, मतलब बार्गेन परचेस, ठीक है। हम अपने शेयर्स को क्यों पीसी में लेंगे? अरे हमारे शेयर्स नहीं है मनिंदर जी, हमारे पास जो सामने वाले के 25% शेयर्स पहले से पड़े थे इन द बुक्स एज इन्वेस्टमेंट्स, इन द बुक्स एज इन्वेस्टमेंट्स, उसकी बात हो रही है, वो भी पीसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो चलो, ये तो है 92, एनसीआई आपको दिया हुआ है 7 लाख 50 हज़ार, 7 लाख 50 हज़ार, नेट एसेट्स अभी आपको दिए हुए थे 60 लाख रुपए, इस क्वेश्चन में डिफर्ड टैक्सेस के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो बस ये हो गया आपका गुडविल या बागिन परचेस, गुडविल आ रहा है यहाँ पे, गुडविल आ रहा है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के, सिंपल क्वेश्चन, इतना कुछ खास था नहीं। लेट्स टॉक अबाउट प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स, प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स, SFS, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिख रहा होगा, ठीक है,
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिख रहा होगा 6 लाख रुपए, है ना। आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे होंगे एज पर इंड एस 27, जहां आपके पास ऑप्शन है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखा सकते हैं। मुद्दा समझ में आ रहा है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट टू कॉस्ट पे दिख रहा होगा 6 लाख रुपए, इंड एस 27 लगेगा। इंड एस 27 जहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे कॉस्ट पे मेजर कर सकते हैं या फेयर वैल्यू पे मेजर कर सकते हैं, अज्यूमिंग इट टू बी एट कॉस्ट, है ना। अब ये जो एसोसिएट है ये कन्वर्ट हो गई सब्सिडियरी में, ये एसोसिएट कन्वर्ट हो गई सब्सिडियरी में। इंड एस 103 बोलता है कि देखो भाई थी एसोसिएट, बात सही है, पर अब तो सब्सिडियरी बन गई। जब भी ऐसा रिक्लासिफिकेशन होगा, जब भी ऐसा रिक्लासिफिकेशन होगा उस दिन इन इन्वेस्टमेंट्स को एक बार फेयर वैल्यू पे मेजर कर दीजिए। जब भी ऐसा रिक्लासिफिकेशन होगा उस दिन आप इन इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे रिक्लासिफाई कर दीजिए। समझ में आया? यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी फेयर वैल्यू को 14 लाख रुपीज़ से बढ़ा दे रहा हूँ, ये बन गया 20 लाख, ये बन गया 20 लाख। अब ये डालू कहाँ, ये डालू कहाँ? तो यहाँ है रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूँगा, मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा। अब से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी ये 25% 20 लाख पे दिखेगा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो 92 लाख रुपीज़ दिख रहा है, एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी दिख रहा है वो 92 लाख रुपीज़ दिख रहा है इन योर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 92 इन द सेंस आपने कैश पे किया, आपने ये शेयर्स दिए, ठीक है, प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट को भी अब आपने इस बेसिस पे वैल्यू कर दिया है। अभी इक्विटी मेथड पे कहाँ आए हिमांशु जी, अभी इक्विटी मेथड की बात ही नहीं हो रही। मैंने इक्विटी मेथड छेड़ा ही नहीं, आप जो इक्विटी मेथड बोल रहे हो इंडिया 28 है, अपन वहाँ पहुँचे ही नहीं है। अपन जब इंडिया 28 का चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे इक्विटी मेथड की। सो डोंट वरी अबाउट इक्विटी मेथड राइट नाउ। कॉस्ट पे मेजर करने का ऑप्शन है, मैंने जितने में खरीदा उतने पे मेजर किया मैंने। अब बाजार भाव 20 लाख है, इंडिया 103 बोलता है कि बाजार भाव पे लेना, इंडिया 103, मैं तो 103 की बात कर रहा हूँ। इक्विटी मेथड को इसमें मिक्स मत कीजिए, इक्विटी मेथड जब एसोसिएट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, 28 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई मैंने क्या किया, अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट्स दिखेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो दिखेगा 92 लाख रुपीज़ का, 92 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 92 लाख में एग्जिस्टिंग 6 था जिसको अपन ने 14 लाख रुपीज़ से इंक्रीज कर दिया, 20 लाख पे मेजर कर दिया, पीएल के अंदर में उतना अमाउंट एक्स्ट्रा चला गया, 14 लाख रुपीज़ पीएल में चले गए। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक के, यहाँ तक के प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत है? एक्चुअल प्रेजेंटेशन हो रहा है आपका, अब जो आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है ना वो पता है कितना हो रहा है, वो दिख रहा है अब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी 92 लाख, आपका शेयर कैपिटल 10 लाख से बढ़ गया, आपकी रिटेन अर्निंग यानी कि पीएल 14 लाख रुपए से बढ़ गया, आपकी लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन 3 लाख रुपए से बढ़ गया, और आपकी कैश 59 लाख रुपीज़ से कम हो गई। ये हुआ ना, ये इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट अगर आप मेरे को पूछेंगे कि सर ये 92 कैसे आया, तो 10 से शेयर कैपिटल बढ़ा, 14 से रिटेन अर्निंग बढ़ा 24, 3 लाख से लायबिलिटी बढ़ गई कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन तो 27, 59 से कैश कम हो गई 50 और 60 70, कुछ गड़बड़ हो गई क्या कैलकुलेशन में? 10 लाख, 59 लाख, प्रीवियसली हेल्ड को 20 लाख रुपए, अच्छा प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट्स भी तो 20 लाख रुपए थे ना, 10 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 59, ये सब मिला के 86 हो गया, ये पूरा मिला के 86 हो गया। इन्वेस्टमेंट्स तो पहले से ही 6 लाख रुपए दिख रहे थे, तो 6 लाख रुपए मिला दीजिए 92। ये समझ में आया? ये समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? बताइए यहाँ तक की कोई दिक्कत है? फिर बताइए यहाँ तक की कोई दिक्कत है? सलोनी जी आप जो बात बोल रहे हैं वो थोड़ी देर में देखते हैं, आप बोल रहे हैं कि ओसीआई भी हो सकता है, आते हैं ना यार उसके ऊपर भी आते हैं। रुकिए ठीक है, पॉसिबिलिटी टू, ठीक है, पॉसिबिलिटी टू, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ये एसोसिएट नहीं थी मेरी। हो सकता है ना यार 25% शेयर है फिर भी मेरी एसोसिएट नहीं है, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब अब ये गवर्नड है इंड एस 109 से, और 109 तो कॉस्ट पे मेजर करने नहीं देता, आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा।
फेयर वैल्यू मेजरमेंट के दो ही तरीके हैं, FVTPL FVOCI, है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसका मेजरमेंट FVOCI किया होगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसका मेजरमेंट FVOCI किया होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, फेयर वैल्यू 14 लाख रुपीज़ से बढ़ेगी तो सही, क्योंकि फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात तो हुई है ना। रिटेन्ड अर्निंग भी 14 लाख रुपीज़ से बढ़ जाएगा। दिस इज नॉट थ्रू PL। अब आप बोलोगे क्यों सर, PL से क्यों नहीं आई, पिछला वाला PL से था। ये FVOCI इक्विटी शेयर्स, FVOCI इक्विटी शेयर्स, हमने इंड AS 1 का सेशन लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्लासिफिकेशन और नॉन रिक्लासिफिकेशन दो तरह के आइटम्स होते हैं। ये NR होते हैं, FVOCI इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नॉन रिक्लासिफाइबल आइटम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो PL से रूट नहीं हो सकता, वो PL से रूट नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में क्या होगा, ये डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में क्या होगा। तो सलोनी जी आप जो बोल रहे हो यहाँ पे आ गया, ठीक है बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। देखिए मैं हर पॉसिबिलिटी समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको पूछा नहीं गया, ये कंसेप्ट है, ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये कंसेप्ट है। आंसर तो यहीं खत्म हो गया था, आंसर तो यहीं खत्म हो गया था, मुद्दा समझ में आया। मैं तो सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में जितने क्वेश्चंस आएंगे कि क्या हो रहा है, अकाउंटिंग कैसे हो रही होगी, बैलेंस शीट कैसे दिख रहा होगा, कंफ्यूजन जो भी दिमाग में होगा वो क्लियर कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है, चलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू पे हम बाद में आएंगे, रादर ये क्वेश्चन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी RTP MTP सीरीज में ये ऑलरेडी है, मैं आज शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। रिवर्स एक्विजिशन, ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है, एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो इस पूरी सीरीज में दो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बोलूँगा RTP MTP सीरीज देख लीजिएगा, बाकी के पूरे मैं इनफैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा, अभी तो मैंने डाला नहीं, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा वो दोनों वीडियोज़ जो आप लोगों को, ये दो क्वेश्चन रिवर्स एक्विजिशन और एक और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है मोस्टली इस चैप्टर का, ठीक है, वो दो क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को वहां पर रेफर करने लगवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक एफ अक्वायर्स बैंक ई इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन अक्टूबर 2001, द लोन ऑफ बैंक ई टू बोरोवर बी, ठीक है, बैंक एफ है, बैंक ई है, पहले तो ये समझ लो, एक बैंक तो है एफ, एक बैंक तो है ई, दो बैंक है अपने पास, ठीक है। बैंक एफ क्या कर रहा है, इस बैंक को अक्वायर कर रहा है, सो ही इज होल्डिंग कंपनी, ही इज सब्सिडियरी, या मर्ज हो गई होगी, जो भी केस होगा, ठीक है। सर NCI प्रोपोर्शनेट मेथड फेयर वैल्यू मेथड एक्सप्लेन कीजिए। सलोनी जी ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे आगे, रुक जाइए, ठीक है। अब बैंक ई ने लोन दिया था बोरोवर बी को, यहां पे था एक बोरोवर जिसको आपने लोन दे के रखा। दिसंबर 2001 एफ रिसीव्स फ्रॉम बोरोवर बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th सितंबर 2001, 30th सितंबर 2001। अब देखिए एक्विजिशन डेट अक्टूबर 2001, ये एक्विजिशन डेट है, ठीक है, सितंबर 2001 का स्टेटमेंट है किसका, बोरोवर बी का। ये रिसीव किस दिन हुआ, रिसीव रिसीव हो रहा है दिसंबर 2001 में, यानी डेटा आपके एक्विजिशन डेट के पहले का है पर आपको बाद में मिल रहा है, डेटा आपके एक्विजिशन डेट के पहले का है बाद में आपको मिल रहा है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन इनकम बेसिस ऑफ दिस द फेयर वैल्यू ऑफ लोन ऑफ बी ऑन एक्विजिशन डेट इज डिटरमिन टू बी लेस देन द अमाउंट रिकोगनाइज अर्लियर ऑन प्रोविजनल बेसिस, यानी कि आपने फेयर वैल्यू इस लोन का शायद डिटर्मिन किया होगा 10 लाख रुपए। अब बैंक ने लोन दिया तो बैंक के लिए एसेट है, तो आपने फेयर वैल्यू डिटर्मिन किया होगा 10 लाख रुपए, इस दिन पता चल रहा है नहीं यार इसकी तो हालत खराब है, 8 लाख रुपए फेयर वैल्यू होना चाहिए, तो देखो 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, ये वो दिन है जिस दिन डेटा मिल रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना कहाँ है,
ये जो 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना क्या है? हमने एक्विजिशन डेट पे गुडविल बार्गेन परचेस निकाला था, क्या उसमें एडजस्ट करूं? क्योंकि डेटा एक्विजिशन डेट के पहले से रिलेटेड है, हमको बाद में मिला, या ये जो नुकसान हुआ फेयर वैल्यू चेंज का, ये जो लॉस है, ये लॉस को मैंने पीएल में चार्ज कर देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा? सर कंसोलिडेशन का एक रफ आइडिया दे दो, क्या है इसमें? देखिए मनिंदर जी, इसमें कुछ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर में आप सिर्फ क्या देखोगे कि एक्विजिशन करते समय परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या आना चाहिए, उसका वैल्यू डिटरमिन कैसे करना है, उसके हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और गुडविल बार्गेन परचेज कैसे निकालते हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर में। चलिए, तो मैंने आप लोगों को एक सवाल पूछा, क्या लगता है आप लोगों को कि यार अपन ने तो एंटिटी को अक्वायर किया, गुडविल बार्गेन परचेस निकाला, गुडविल में बार्गेन परचेस में, है ना? वेरी गुड मनिंदर जी, वेरी गुड हिमांशु जी, यस। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि यार आपका जो भी एक्विजिशन डेट है, जो भी आपका एक्विजिशन डेट है, आप इससे 12 महीने का पीरियड निकाल लीजिए, आप इससे 12 महीने का पीरियड निकाल लीजिए। इन 12 महीनों में आपको दो तरह के डेटा मिलेंगे, ठीक है? डेटा रिलेटेड टू पीरियड बिफोर एक्विजिशन, ठीक है? डेटा रिलेटेड टू पीरियड बिफोर एक्विजिशन, नॉट नोन ऑन एक्विजिशन डेट, नॉट नोन ऑन एक्विजिशन डेट। इसके अलावा इस दौरान आपको कुछ और डेटा मिलेगा जो रहेगा रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर एक्विजिशन डेट, ठीक है? यानी इन 12 महीने में कुछ हो सकता है, यानी ये जो बोरोवर है इसकी हालत 30 सितंबर के बाद खराब हुई, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो डेटा दिसंबर में मिला, यानी अक्टूबर 2001 जो एक्विजिशन डेट है, उसके बाद इस बोरोवर की हालत खराब हुई, जो डेटा दिसंबर में मिला। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डेटा सितंबर 2001 से रिलेटेड था जो दिसंबर में पता चला, मतलब कौन सा वाला पॉइंट? अपना फर्स्ट वाला पॉइंट, उधर वाला पॉइंट जहां पे लिखा है अपन ने कि डेटा इज रिलेटेड टू पीरियड बिफोर एक्विजिशन डेट, नॉट नोन ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट पर पता नहीं था। तो अगर ये आपको 12 महीने में पता चल जाता है, 12 महीने के अंदर अंदर पता चल जाता है, तो स्टैंडर्ड बोलता है एडजस्ट कर दीजिए इसे गुडविल बार्गेन परचेस में, ठीक है? इस केस में आप इसको एडजस्ट कर दीजिए गुडविल बार्गेन परचेज में। पर अगर ये डेटा 12 महीने के अंदर पता चलता है, तभी 12 महीने बाद पता चलता है, तो फिर गुडविल बार्गेन परचेज में एडजस्ट मत करना। सिर्फ 12 महीने का टाइम फ्रेम दे रहा है, बोलता है यार सफिशियंट है, 12 महीने बाद पता चल रहा है तो तुम बेवकूफ हो, मतलब 12 महीने तक तुम्हारा ध्यान नहीं गया, 12 महीने बाद तुम्हारा ध्यान जा रहा है ना? मुद्दा समझ में आ रहा है? तो वैसा नहीं चलेगा। पर अगर डेटा रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर एक्विजिशन से है, यानी कि यही बोरोवर की हालत अक्टूबर के बाद खराब हुई है, तो फिर इसका एडजस्टमेंट पीएल से होता है। क्लियर? बस ये ध्यान में रखिए, इतना ध्यान में रखिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन का अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे, सिनेरियो टू, तो वहां वही लिखा है, एफ एक्वायर्स बैंक ई इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन अक्टूबर 2001। द लोन ऑफ बैंक ए टू बोरोवर बी इज रिकॉग्नाइज प्रोविजनली एट फेयर वैल्यू डिसंबर 2001। एफ को बोरोवर बी के बारे में डेटा मिल रहा है डेट ही हैज लॉस्ट अ मेजर कस्टमर अर्लियर दैट मंथ, अर्लियर दैट मंथ यानी उसी महीने के शुरुआत में उसने अपना एक मेजर कस्टमर उसका गुम गया, दिसंबर महीने की शुरुआत में, दिसंबर महीने की शुरुआत में एक्विजिशन हुआ है अक्टूबर में। अब एडजस्टमेंट कहाँ करना है, गुडविल बार्गेन परचेस या पीएल? अब एडजस्टमेंट कहाँ करना है, गुडविल बार्गेन परचेस या पीएल? अक्टूबर में एंटिटी को अक्वायर किया, बोरोवर का डेटा मिलता है दिसंबर में कि उसी महीने की शुरुआत में, उसी महीने की शुरुआत में उसका एक मेजर कस्टमर चला गया, मतलब उसकी हालत अब हो गई खराब, यानी उसकी फेयर वैल्यू कम हो गई उस लोन एंड एडवांस की, है ना? अब एडजस्टमेंट कहाँ करूँ, गुडविल बार्गेन परचेस या पीएल? व्हाट डू यू थिंक, ट्राई टू आंसर प्लीज एवरीवन। हाँ, तो हिमांशु जी का कहना है कि अब पीएल में जाना चाहिए, है ना? मुद्दा समझ में आ रहा है? तो यस, अब एडजस्टमेंट पीएल पे होगा। यही मैंने आप लोगों को वहां पे जो चार्ट बना के दिया उसमें मैंने आपको यही लिख के दिया, यहां पे आपने एडजस्टमेंट गुडविल बार्गेन परचेस में किया, यहां पे एडजस्टमेंट पीएल पे होना चाहिए। अब बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो, एक जन आंसर करेगा बाकी के लोग आंसर नहीं करेंगे, नहीं समझ में आया क्या क्या हो रहा है? हाँ,
अरे नहीं ना हिरेन जी, अब गुडविल क्यों? आप समझो ना, कस्टमर आपके एक्विजिशन डेट के पहले ही चला गया क्या? उसका कस्टमर, उसका सबसे मेजर कस्टमर क्या आपके एक्विजिशन डेट अक्टूबर 2001 के पहले ही जा चुका था क्या? बाद में गया ना दिसंबर में छोड़ के गया? आपके एक्विजिशन के बाद से रिलेटेड डेटा है, आपके एक्विजिशन के बाद से रिलेटेड डेटा है, क्यों मैं एडजस्टमेंट गुडविल में करूंगा? मुद्दा समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ए अक्वायर्ड 90% इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ बी ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर 85 करोड़ रुपीस। 85 में आपने खरीदा है। बी डिड नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज इन इक्विटी। आपने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाया जिसने फेयर वैल्यू निकाला एनसीआई का, और फेयर वैल्यू नेट एसेट्स का भी निकाला है। 15 करोड़ और 10 करोड़ रुपए निकला, 15 करोड़ और 10 करोड़ रुपए निकला। चलिए हमारा फॉर्मूला लगाना है ना, परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स। फटाफट लगाइए, बताइए गुडविल या बागेन परचेस। चलिए हिरेन जी, सलोनी जी, मनिंदर जी, हिमांशु जी, एक्सक्यूज मी, फटाफट निकालिए, बताइए। अरे बताइए ना यार, क्या कर रहे हैं, निकालिए ना। नहीं समझ में आया क्या कंसेप्ट? नील आ रहा है, नील आ रहा है, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, नील आ रहा है ना। 85 15 100 0। ठीक है, अब आपका सवाल है इसकी अकाउंटिंग कैसे हुई? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आपने अक्वायर करने के लिए 85 करोड़ रुपीज़ दिया, अब आपने कैसे पे किया है ये तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ आपने कैश दिया होगा। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी 85 टू कैश 85। ठीक है, अब SFS में क्या होता है आप ये समझिए। SFS में आपके बुक्स में नेट एसेट सामने वाले के अकाउंट होते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपके बुक्स में अकाउंट होता है जो इक्विटी में दिखता है, अदर इक्विटी में। ठीक है, और आपके जेब से कैश गई है 85। इस तरह से अकाउंटिंग होती है, इस तरह से अकाउंटिंग होती है। अब ये हो गया फेयर वैल्यू मेथड, ये हो गया फेयर वैल्यू मेथड। सपोज प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड बोला कि आपको प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड पे वैल्यू करना है एनसीआई को, तो सिंपल है, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकाल दीजिए 100। एनसीआई कितना परसेंटेज है ये निकाल लीजिए, एनसीआई कितना परसेंटेज है निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। समझ में आ रहा है? बताइए बताइए एनसीआई कितना होना चाहिए, बताइए। नहीं मनिंदर जी, डिस्ट्रेस सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लीजिए डिस्ट्रेस सेल के बारे में। वो डिस्ट्रेस सेल बार्गेन परचेज का कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोपोर्शनेट से इसकी वैल्यू 10 हो जाती, अब इसकी वैल्यू 10 हो जाती तो बार्गेन परचेज पे 5 आ जाता, बार्गेन परचेज पे 5 आ जाता, तो ऐसे में जर्नल एंट्री क्या होती? नेट एसेट्स 100,
टू एनसीआई 10, टू कैश 85, टू बार्गेन परचेस 5, 5, बस सिंपल कहानी है ना, समझ गए? ठीक है सलोनी जी, अकाउंटिंग अफेक्ट जानना था आपको, ये अकाउंटिंग अफेक्ट प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड इज नॉट गिवन, लिख लीजिए प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड, ब्लू पेन वाला पूरा प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड है, तो आप लोगों के सामने दोनों के दोनों आंसर्स रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रैल ए अक्वायर्ड 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ बी फॉर 1 लाख रुपीज, अकाउंटेड फॉर इन्वेस्टमेंट एज FVOCI, आपने FVOCI अकाउंट किया ऐसे 31 मार्च 2002, एक साल बाद ए लिमिटेड कैरीड इन्वेस्टमेंट्स इन बी एट फेयर वैल्यू एंड रियलाइज द अनरियलाइज गेन, रिकग्नाइज द अनरियलाइज गेन ऑफ 5000 इन अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, 5000 अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में पड़ा है आपके, ठीक है, विच इज प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। फेयर वैल्यू मेजरमेंट हुआ था, फेयर वैल्यू मेजरमेंट हुआ था आपके बुक्स में 1 लाख रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, फिर अनरियलाइज गेन उसमें 5000 का हुआ, यानी अब इन्वेस्टमेंट्स आपके बुक्स में 1,05,000 के दिख रहे हैं, 1,05,000 के दिख रहे हैं, और 5,000 रुपये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाले थे, मतलब फेयर वैल्यू रिजर्व में पड़े हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व में पड़े होंगे, मुद्दा समझ में आ रहा है? वो अमाउंट फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर में पड़ा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2002 आपने रिमेनिंग 95% स्टेक भी खरीद लिया, तो अब क्या करना है? रिमेनिंग 95% स्टेक भी खरीद लिया, तो अब देखो हुआ क्या था, पहले तो आप ये समझिए। एक्विजिशन डेट में आपने लिया इन्वेस्टमेंट्स टू कैश 1 लाख, फिर उसके बाद में आपने किया इन्वेस्टमेंट टू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम 5000, ठीक है, फिर अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम से वो चला गया फेयर वैल्यू रिजर्व्स के अंदर 5000, है ना। अब आप बचा हुआ 95% स्टेक खरीद रहे हो, जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग होती है ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई वो तो फेयर वैल्यू पे मेजर होती है, ऑन द डेट यू अक्वायर द कंट्रोल वो फेयर वैल्यू पे मेजर होती है, भैया ये फेयर वैल्यू पे ही दिख रहा है 1,05,000, 31 मार्च और 1 अप्रैल का तो फेयर वैल्यू सेम ही होगा ना, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1,05,000 रुपये ही फेयर वैल्यू है। उन्होंने बोला यार क्या करने का है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, यानी वो इन शॉर्ट पूछ रहा है कि ये फेयर वैल्यू रिजर्व का मैं क्या करूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, अब आप लोग बताइए ये 5,000 रुपये का क्या होना चाहिए, ये 5,000 रुपये का क्या होना चाहिए, आप मेरे को ये बताइए। आपने सामने वाले की इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, ये 5,000 रुपये का आपने क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए, ट्राई टू आंसर, बताइए बताइए। अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर दीजिए, बस बढ़िया यही आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शायद डिफरेंस है, एक बार देखते हैं, मैं इंस्टीट्यूट का आंसर आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला, यहाँ पे लिखा है ऑन एक्विजिशन डेट 5000 OCI एज अ गेन और लॉस इज नॉट अलाउड टू बी रिसाइकल्ड टू इनकम स्टेटमेंट एज पर इंडिया 109 एस इन्वेस्टमेंट बी एंड डज नॉट रिक्वायर रीस्टेटमेंट ऑफ। हाँ नहीं नहीं बराबर है, बराबर है आंसर, बराबर है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का एक ने ये क्वेश्चन अभी इसमें मेरे हिसाब से रेक्टिफाई किया है, हम लोग जब पढ़ते थे जब ये क्वेश्चन नया नया पूछा गया था तो इंस्टीट्यूट ने आई थिंक ये GFRS से उठाया हुआ क्वेश्चन है, RTP MTP से, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, मेरे जो क्वेश्चन बैंक है RTP MTP वाला उसमें आपको ही मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये PL के अंदर चला गया, PL के अंदर चला गया, जबकि मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिबेट किया था नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVOCI मेजरमेंट है, PL में नहीं जा सकता, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिलेगा इंस्टीट्यूट एज रेक्टिफाइड, इसके अंदर में आपको वो मिस्टेक नहीं मिलेगी, ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा, PL में नहीं दिखाया जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट एकदम इंस्टीट्यूट का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ए अक्वायर 70% स्टेक इन एस ऑन 1 जनवरी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 मिलियन, आपने एंटिटी अक्वायर किया, आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड से मेजर करना चाहते हैं, एक क्वालिफाइड वैल्यूअर को बुलाया आपने और नेट एसेट्स का मेजरमेंट 10 मिलियन कर दिया, नेट एसेट्स का मेजरमेंट 10 मिलियन कर दिया, बहुत है इतना, बता दो एनसीआई कितना है, बताओ एनसीआई कितना है,
इतना तो बहुत है, इतने में तो आप एनसीआई बता ही दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बताइए एनसीआई कितना। अच्छा कल की क्लास सुबह 10 बजे रहेगी, ध्यान रखिए सुबह 10 बजे, ठीक है। त्रि, शाबाश, सिंपल, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन सर्विस। ए इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ए इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नन ऑफ होम कंट्रोल इट एंड डज नॉट हैव कलेक्टिव एग्रीमेंट। बी इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल मिस्टर राम। तो चलो आओ देखते हैं। एक है ए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बराबर। दूसरा है बी, जिसको मिस्टर राम कंट्रोल करते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द ओनर्स ऑफ ए एंड बी हैव डिसाइडेड टू कंबाइन द बिजनेस, द कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड बाय शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। दोनों अपने बिजनेस को कंबाइन करना चाहते हैं और सेटलमेंट बी के शेयर्स में होगा, मतलब बी ए को परचेज कर रहा है, बी ए को अपने अंदर मर्ज कर रहा है, बी ए को अपने अंदर मर्ज कर रहा है। ये ध्यान में रखिए, पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए। दोनों सोचते हैं चलो साथ में बिजनेस करते हैं और बी के शेयर्स में सेटलमेंट होगा, मतलब बी ए को परचेज कर रहा है। अब ये कैसे होगा, बी इशूज न्यू शेयर्स अमाउंटिंग टू 40% ऑफ इट्स इशूड शेयर कैपिटल। उसका जो भी इशूड शेयर कैपिटल है उसका 40%, उसका जो भी इशूड शेयर कैपिटल है उसका 40% टू शेयर होल्डर मिस्टर राम। सर प्रैक्टिस के लिए टाइम तो दो। अरे कौन सा प्रैक्टिस हिमांशु जी, इनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए? अरे देखो यार हिमांशु जी, आप मेरे समय का, आप मेरा प्रॉब्लम समझिए, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि एकदम से छुट्टी देना पड़ता रहता है बीच में, जैसे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ध्यान में रखेंगे, बीच में ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन की छुट्टी हो गई थी। अभी इवनिंग में भी क्लासेस चालू है, बीच में देखिए मेरे फैमिली में एक मैरिज रहेगी 4th, 5th और 6th फेब, तो फिर 3 दिन अपनी क्लास नहीं रहने वाली है। तो ये ऐसी छोटी छोटी डिफिकल्टीज के कारण क्लासेस नहीं हो पाती है। मैं नहीं चाहता कि उसके कारण हमारी क्लासेस आगे डिले हो जाए। यूट्यूब लाइव हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एंड टाइम तक लेते रहे, आपकी भी एक टाइम लिमिट है जब तक कि आपको पढ़ना है, मेरी भी टाइम लिमिट है, उस टाइम पीरियड में खत्म करना जरूरी है, नहीं तो मतलब May 22 अटेम्प्ट सामने आ जाएगा। तो आप समझिए फॉर अननेसेसरी इशू डिले नहीं करना है आपने को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार जब जब टाइम मिल रहा है मैं क्लास लेते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। आप ये समझिए ना, थोड़ा सा थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखिए ज़रूरी है इसीलिए, मेरी भी मजबूरी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो 40% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल टू कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिस्टर राम। क्या किया उसने, बी ने 40% शेयर दिए मिस्टर राम को। राम देन ट्रांसफर द शेयर्स टू ओनर्स ऑफ एंटिटी ए। तो अभी देखो कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक तो है एंटिटी ए, इसके कुछ शेयर्स होंगे, एक तो है एंटिटी बी, इसका ओनर है राम 100%, इसके ओनर है कुछ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सबके पास अलग 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 शेयर्स है। अब ए क्या करता है, ए करता है फर्दर शेयर्स इशू, फर्दर शेयर कर रहा है वो इशू। ये फर्दर शेयर इशू करने के कारण इसका स्टेक हो जा रहा है 60%, और ये जो फर्दर शेयर इशू हो रहे हैं ये कितने हैं 40%। राम का ऑब्वियसली पहले राम 100% ओनर था, अब वो 40% इशू कर रहा है, तो 40% इशू कर रहा है इसका मतलब राम का स्टेक 60% हो जाएगा, लॉजिकल। अब राम ट्रांसफर करेगा ये शेयर्स टू दिस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, 40% शेयर्स ऑफ एंटिटी बी वो ट्रांसफर कर देगा टू बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, समझ में आ रहा है आपको, इन एक्सचेंज फॉर द इंटरेस्ट इन एंटिटी ए, इन एक्सचेंज फॉर देयर इंटरेस्ट इन एंटिटी ए। एट दैट पॉइंट मिस्टर राम कंट्रोल्स बोथ एंटिटीज ए एंड बी। अब इसके बदले में बी ओ आई क्या करेंगे, इसके बदले में बी ओ आई क्या करेंगे, बी ओ आई अपने शेयर्स ऑफ ए राम को ट्रांसफर करेंगे, एंटिटी बी को ट्रांसफर नहीं कर रहे, एंटिटी बी को ट्रांसफर नहीं कर रहे, राम को ट्रांसफर कर रहा, उन्होंने राम को ट्रांसफर किया और राम ने 40% शेयर्स इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को दे दिया। सिंपल कहानी समझ गए। अब ये जो मिस्टर राम है, ये जो मिस्टर राम है इसके पास 60% शेयर्स बी के हैं और 100% शेयर्स ए के हैं, और ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है इनके पास 40% स्टेक ए का है और अब 0% स्टेक इनके पास ए का है, 40% बी का है और ए का 0% स्टेक है अब इनके पास।
मुद्दा समझ में आया यहां तक के? हु इज अक्वायरर एंड हु इज अक्वायरी? नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट बनेगी, हु इज अक्वायरर, हु इज अक्वायरी, मतलब जो अभी आप नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे क्या उसमें दोनों ए और बी दोनों के एसेट्स फेयर वैल्यू पे मेजर होंगे क्या? देखो जनरली इंडियस 103 बोलता है जब आप किसी एंटिटी को अक्वायर करते हो तो उसके एसेट लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे मेजर कीजिए। जब आप किसी नई एंटिटी का कंट्रोल अक्वायर करते हो तो आप उसके एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर कीजिए। तो यहाँ पे क्या दोनों के एसेट्स का फेयर वैल्यू मेजरमेंट होना चाहिए जब कंसोलिडेशन हो रहा है ए एंड बी, या नहीं सिर्फ ए का या सिर्फ बी का? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा सोचिए, बताइए। ठीक है, मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने बना दी, एग्जाम में डायग्राम आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे चार लोग हैं, एंटिटी ए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंटिटी बी और मिस्टर राम। ठीक है, मैंने डायग्राम पूरी की पूरी बना दी कि हुआ क्या है। अब आपको ये बताना है कि कौन किसको अक्वायर कर रहा है, अक्वायरर कौन है, अक्वायरी कौन है, और जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनेगा तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट किसका होगा, ए का, बी का, दोनों का, कैसे, या किसी का नहीं? सर क्यों करेंगे, इसमें है ही नहीं कहीं पे भी एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन लग ही नहीं रहा, ऐसा बोल दोगे? क्या लगता है आप लोगों को? ट्राई कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। डायग्राम समझ गया ना? बी ने क्या किया था, बी ने क्या किया था, बी ने 40% शेयर फर्दर इशू किए और राम को दे दिए, राम को दे दिए। फिर राम ने क्या किया, राम ने शेयर्स उठा के बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को दे दिया। फिर ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने क्या किया, उनके पास ए के शेयर्स थे, उन्होंने उठा के राम को दे दिया। अब राम के पास 100% शेयर ए के आ गए और उसके बी के जो एग्जिस्टिंग शेयर जो ऑलरेडी उसके पास थे वो 60% होल्डिंग होगी, 100 से 60 होगी। और अब ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के पास 40% शेयर आ गए बी के। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक किसके एसेट्स का फेयर वैल्यू मेजरमेंट होना चाहिए? तो हिमांशु जी का कहना है सर बी का होना चाहिए। सर यहाँ कोई भी किसी की सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं है, ये मनिंदर जी का कहना है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं। देखो कंट्रोल कब आता है, कंट्रोल चेंज कब माना जाता है, जब ओनर बदलते हैं, जब ओनर बदलते हैं तो कंट्रोल में चेंज माना जाता है। तो पहले एंटिटी बी के एंगल से सोचते हैं, एंटिटी बी का पहले ओनर कौन था, एंटिटी बी का पहले बिफोर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस ओनर कौन था, बोलो बोलो पहले ओनर कौन था? तो हिमांशु जी का कहना है ए अक्वायरर है, बी अक्वायरी। चलो अब भी समझ में आ जाएगा, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। बी से स्टार्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद ए की बात करेंगे। तो बी का पहले ओनर कौन था? हाँ अरे हिमांशु जी, मनिंदर जी, सब लोग बताओ ओनर कौन था? हिमांशु जी का कहना है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अरे बी, बी का तो राम था ना, बी का राम था। देखो ना मैंने वहाँ डायग्राम में लिखा, राम के पास पहले 100% शेयर थे, काट के 60 किया। यहाँ बिफोर आफ्टर भी लिख रहा, यहाँ पे आफ्टर लिखा, बिफोर तो नहीं लिखा, आफ्टर भी लिखा। राम था, राम था, और बाद में ओनर कौन है? राम ही है ना ओनर, 60% शेयर्स, पहले 100 थे 60 हो गए, तो 60 के बाद भी ओनर तो वही है ना, 60%। अभी LIC के शेयर्स अगर गवर्नमेंट से कुछ शेयर्स आप लोगों के पास आ जाएंगे तो आप ओनर बन जाओगे क्या? सरकारी ओनर है अभी भी। मुद्दा समझ में आ रहा है, ओनर पहले भी राम था पर उसके पास 100% शेयर्स थे, अब 60% हो गए, 40% चले गए, ओनर तो अभी भी वही रहेगा ना, ओनर थोड़ी बदल जाएगा, ओनर नहीं बदलने वाला है। मुद्दा समझ में आ रहा है, इसका मतलब बी का मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है, बी का कंट्रोल चेंज नहीं हुआ है, बी को फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं। कंट्रोल बदलेगा तब तो कंसोलिडेशन होगा, तब तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगा। अरे कंट्रोल तो बदले, बी का तो कंट्रोल ही नहीं बदला। अब ए की बात करते हैं, ए का पहले मालिक कौन था, अब मालिक कौन है? ए का पहले मालिक कौन था और अब मालिक कौन है? बिफोर एंड आफ्टर बताइए, बिफोर एंड आफ्टर बताइए। हाँ भाई, ए का बिफोर मालिक कौन था और आफ्टर मालिक कौन है, ट्राई कीजिए। तो देखिए अगर आप पहले देखेंगे तो मैंने लिख के रखा है पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के पास था, पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के पास था, अब किसके पास आ गया, अब राम के पास आ गया, है ना, अब राम के पास आ गया। वेरी गुड सलोनी जी, वेरी गुड
मनिंदर जी, वेरी गुड हिरेन जी, वेरी गुड हिमांशु जी, है ना। बाद में राम गया, इसका मतलब यहां कंट्रोल चेंज हो रहा है ना, यहां कंट्रोल चेंज हो रहा है। जहां कंट्रोल चेंज होता है वहां फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है, जहां कंट्रोल चेंज होता है वहां फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर बी तो ए को अक्वायर नहीं कर रहा, राम कर रहा है, राम तो इंडिविजुअल है, राम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएगा नहीं, वो तो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का काहे का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, तो यहाँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात ही क्यों कर रहे हो सर। राम ने ए को अक्वायर किया, राम के पास बी पहले से था, कंसोलिडेशन की बात कहां से आ रही है। अरे बी ए को अक्वायर करता तो कंसोलिडेशन की बात आती। इंडियाज 103 बोलता है कि अगर दो एंटिटीज के बीच में एक कॉमन इंडिविजुअल है, दो एंटिटीज के बीच में एक कॉमन इंडिविजुअल है तब भी कंसोलिडेशन होगा। दो एंटिटीज के बीच में अगर एक कॉमन इंडिविजुअल है तब भी कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि अब साथ में बिजनेस करने की बात हो रही है ना। बी का कंट्रोल भी राम के पास है, ए का कंट्रोल भी राम के पास है, कंसोलिडेशन तो होगा, कंसोलिडेशन तो होगा, तो यहां पे भी कंसोलिडेशन की बात हो रही है। अब कंसोलिडेशन किसके नाम से होगा, ए के नाम से होगा कि बी के नाम से होगा, ये डिपेंड करता है कंसिडरेशन कौन दे रहा है। यहां बी दे रहा है, यहां बी दे रहा है, तो ऑब्वियसली बी के नाम पे कंसोलिडेशन होगा, खत्म कहानी। तो इसका मतलब बी अक्वायरर है और ए अक्वायरी है। अभी क्लियर है क्या सब लोगों को, अभी क्लियर है सब लोगों को। जिसका कंट्रोल बदलेगा वो अक्वायरी होगा, जिसका कंट्रोल नहीं बदल रहा वो अक्वायरर रहेगा हमेशा, है ना। तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स के अंदर बना के रखिए। ये क्वेश्चन ट्रिकी है बहुत, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दीजिए। ये आई थिंक पिछले आरटीपी में ही आया था, पिछले आरटीपी एमटीपी दो में से किसी एक में पूछा गया है, ये तो रिसेंटली एडेड है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए इसको। कंफ्यूजिंग है, पकड़ के चलिए, एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए आइए आगे बढ़ रहे हैं हम। एट, मनिंदर जी का कहना है सर ले भी तो रहा है। अरे आप किसी एंटिटी को मनिंदर जी अक्वायर कैसे करते हो। सपोज कीजिए कल जाके आपने बोला मेरे को रिलायंस को अक्वायर करने का है ना, तो आप कंसिडरेशन में पैसे दोगे मुकेश अंबानी को। अरे तो मुकेश अंबानी आपको शेयर्स भी तो देगा ना, वन साइडेड नहीं हो सकता ना, रहेगा तो हमेशा टू साइडेड। आपके पास रिलायंस के शेयर्स ही नहीं आएंगे तो आप कंट्रोल कैसे करोगे। आप बोलोगे सर दे रहा है तो ले भी रहा है, अरे लेना तो पड़ेगा ही ना उसको, लेगा नहीं तो कंट्रोल कैसे आएगा, है ना, तो वो तो हमेशा रहेगा ही। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2001 अल्फा लिमिटेड अक्वायर्स 80% इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड, 80% शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर कैश ऑफ 300। ड्यू टू लीगल कॉम्पिटिशन बीटा लिमिटेड हैड टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स बाय अ स्पेसिफाइड डेट। उनको एक स्पेसिफाइड डेट तक इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करना जरूरी था। Therefore, they did not have sufficient time to market Beta Limited to potential buyers. ज़्यादा potential buyer ढूंढे नहीं, जो मिला उसको बेच दिया सीधा सीधा उठा के, उनका बस ये कहना है और कुछ नहीं। ठीक है, मूविंग एट। द मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड इनिशियली मेजर्स द सेपरेटली रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिफाइबल एसेट्स अक्वायर्ड एंड द लाइबिलिटीज अज्यूम्ड ऑन एक्विजिशन डेट इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 103। द आइडेंटिफाइबल एसेट्स आर मेजर्ड एट 500, लाइबिलिटीज आर मेजर्ड एट 100। सामने वाले के एसेट्स 500, सामने वाले की लाइबिलिटीज 100, यानी नेट एसेट्स 400। ठीक है, आपने खरीदा 300 में। अल्फा लिमिटेड एंगेजेस एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हु डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट 84। तो एनसीआई की भी वैल्यू दे दी आपने एंटिटी को, आपने अपना 80% स्टेक कितने में अक्वायर किया वो वैल्यू दिया हुआ है, नेट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, एनसीआई का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। इतना पूरा निकालने, इतने पूरे के बेसिस पे मेरे को गुडविल बार्गेन परचेज बता दीजिए, गुडविल बार्गेन परचेज बता दीजिए, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अरे ये नहीं, ये बहुत बढ़िया। 16 का बार्गेन परचेस। अल्फा लिमिटेड रिव्यूड द प्रोसीजर इट यूज टू आइडेंटिफाई द मेजर द एसेट्स अक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड एंड टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। आफ्टर द रिव्यू इट डिसाइडेड दैट द प्रोसीजर्स एंड रिजल्टिंग मेजर्स वो अप्रोप्रिएट। सब कुछ ठीक है, उनका ये कहना है। कैलकुलेट द गेन और लॉस एंड ऑल्सो शो द जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री तो मैंने आप लोगों को पहले बताई, सेम टेक्निक है, कुछ अलग नहीं रहेगा। ऑल्सो कैलकुलेट एनसीआई अगर प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड होता तो, प्रोपोर्शनेट एसेट होता तो क्या होता, आप तो ये कर सकते हैं। तो
कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट 31 मार्च ईच ईयर। ऑन 1 जुलाई आपने 75% स्टेक अक्वायर किया है एंड गेंड कंट्रोल। द इशूड शेयर्स ऑफ जेके लिमिटेड, आपने एंटिटी को अक्वायर किया जेके लिमिटेड, उसका इशूड शेयर कैपिटल है 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 जुलाई आपने 2 शेयर दिए फॉर एवरी 3 शेयर्स अक्वायर्ड, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स अक्वायर्ड। मार्केट वैल्यू आपके शेयर का 6.5 है और सामने वाले के शेयर का 6 है। पहले तो बताओ आपने शेयर्स कितने दिए, आपने कितने शेयर इशू किए, पहले तो ये बताइए, फटाफट निकालिए आपने शेयर्स कितने दिए। एट्टी, 90, 80, 60। अभी देखिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप परचेज कंसिडरेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आप करेंगे 120 लाख शेयर्स, हर शेयर का फेयर वैल्यू 6 रुपये, आप बोलेंगे ये पीसी है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं सर, 120 लाख को डिवाइड कीजिए, हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर, हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर मल्टीप्लाइड बाय हमारे शेयर का फेयर वैल्यू लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं सर, हर 2 शेयर के बदले 3 शेयर देने की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा परचेज कंसिडरेशन, हमारा फेयर वैल्यू 6.5। ठीक है, एक आंसर आप ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे आप 6 रुपये ले लेंगे, यहाँ पे आप 6 रुपये ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए ये सारे आंसर्स गलत हैं। सामने वाले का इशूड शेयर कैपिटल 120 है, अरे आपने 75% स्टेक खरीदा है, ये मल्टीप्लाई करना सब स्टूडेंट भूल जाते हैं, एग्जाम में ये गड़बड़ होती है, इंस्टीट्यूट को पता है ये गलती होती है स्टूडेंट से। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, हर 3 शेयर के बदले आप अपने 2 शेयर दे रहे हैं, डिवाइड बाय 3 × 2, हर 3 शेयर के बदले आप अपने 2 शेयर दे रहे हैं, और कभी भी फेयर वैल्यू आपके शेयर का लिया जाएगा 6.5। तो जिन्होंने भी 60 लाख बोला है वेरी गुड, ठीक है, हिरेन जी वेरी गुड, हिमांशु जी वेरी गुड, सलोनी जी, मनिंदर जी, हिमांशु जी, ध्यान में रखिए आप लोग क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आज सच कोई इशू नहीं है, पर ये सारे के सारे गलत आंसर्स हैं, ये गलतियां होती है एग्जाम में। ठीक है, लो 390 मैं यहां लिख देता हूं। मूविंग एट 30 जून विल मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 71,50,000। कब? 1 साल बाद। 1 साल बाद आप कैश पेमेंट करेंगे टू फॉर्मल शेयरहोल्डर्स हु सोल्ड द शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2001। ऑन 1 जुलाई विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मैं बोल रहा हूँ, मैं यानी एबीसी, एबीसी बोल रही है कि आज से 1 साल बाद हम आपको कैश पे करेंगे 71,50,000। डेट्स पर ध्यान आपको रखना है, अभी तो मैं बोल दिया 1 साल बाद, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, आज से 1 साल बाद हम आपको कैश पे करेंगे 71,50,000। क्या पीसी में लेना है 71.5 लाख, या 71.5 लाख में 10% इंटरेस्ट ऐड करके पीसी में लूँ, क्योंकि 1 साल बाद दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट दिया उन्होंने 10%, इसका मतलब इंटरेस्ट भी दे रहे होंगे, है ना, या माइनस करूँ? व्हाट डू यू थिंक, क्या करना है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक क्या करना है?
ध्यान रखिए प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, आज से 1 साल बाद अगर कोई पेमेंट की बात हो रही है मतलब डेफर्ड पेमेंट है, डेफर्ड पेमेंट्स हमेशा डिस्काउंट किए जाते हैं, डेफर्ड पेमेंट हमेशा डिस्काउंट किए जाते हैं, तो माइनस करेंगे 65 लाख रुपीज़ आएगा। वेरी गुड इरेन जी, वेरी गुड हिमांशु जी, दोनों हिमांशु जी वेरी गुड, मनिंदर जी ध्यान में रखिए, ठीक है 65 लाख रुपीज़ यहाँ ध्यान देंगे। 30 जून 2003, 2 साल बाद, 2 साल बाद ABC लिमिटेड मे मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 3 करोड़ रुपीज टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ JKL लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर्स, मे मेक दिया हुआ है, हु सोल्ड देयर शेयर्स, दिस इज कॉन्टिंजेंट ऑन ग्रोइंग रेवेन्यू बाय 15% ओवर 2 ईयर पीरियड, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। आप कैश देने की बात कर रहे हैं, आप कैश देने की बात कर रहे हैं, ऑन 1 जुलाई इसका फेयर वैल्यू है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, तो ये लेना है कंसिडरेशन में, ये मेरा डाउट नहीं है। मेरा सवाल है कि इसको एज लाइबिलिटी अकाउंट करेंगे या इसको एज इक्विटी अकाउंट करेंगे, ये जो अमाउंट है ये पीसी का पार्ट है, इसे एज लाइबिलिटी अकाउंट करना है या इसे एज इक्विटी अकाउंट करना है, आप बस ये बताइए मुझे। देखो यहाँ आप कैश देने की बात कर रहे हो और मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर देंगे तो इक्विटी मानेंगे, उसके अलावा सारे केसेस में आप लाइबिलिटी मानेंगे, यहाँ कैश देने की बात हो रही है ये लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक है। वेरी गुड इरेन जी, वेरी गुड हिमांशु जी, मनिंदर जी, सलोनी जी ध्यान में रखिए, मैंने लिखवाया ना पहले क्वेश्चन में ही लिखवाया मैंने आपको ये बात, है ना ध्यान में रखना है, कोई बात नहीं। 705 कैसे अकाउंट हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन डेबिट 705 टू शेयर कैपिटल अदर इक्विटी मिला के 390 टू कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 250 टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि कंफर्म है कि वो पैसे देना ही है, 65 लाख रुपीज़। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि नेट एसेट सामने वाले के 6 करोड़ रुपए के, फेयर वैल्यू उस दिन 7 करोड़ रुपए की थी, नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट 6 करोड़ है, फेयर वैल्यू 7 करोड़ है, टेम्पररी डिफरेंस पे 20% टैक्स है, डेफर्ड टैक्सेस, डेफर्ड टैक्सेस। अगर अब मैं मेरे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, सोचिए देखिए, ट्राई कीजिए, मेरे बुक्स में 6 करोड़ की नेट एसेट दिख रही है जिसकी फेयर वैल्यू 7 करोड़ है, अब मैं 7 करोड़ पर अकाउंट करूंगा, 1 करोड़ से फेयर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स एसेट आना चाहिए लाइबिलिटी। IND AS 12 का हमने सेशन लिया था बराबर, इंग्लिश में लिया था पर आप में से कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट आना चाहिए या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, DTA या DTL? 6 करोड़ का मेरे बुक्स में दिख रहा है, 7 करोड़ रुपए फेयर वैल्यू है, मेरे को फेयर वैल्यू पर अकाउंट करना है, 1 करोड़ रुपए का फेयर वैल्यू इंक्रीज है, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, DTA या DTL? तो सलोनी जी का कहना है DTL, हिमांशु जी का कहना है DTA, वेरी गुड DTL, वेरी गुड, यस DTL आएगा। अब ये तो आपका PC हो गया, 705, NCI लगेगा थोड़ी देर में देखते हैं, नेट एसेट्स 700 पर इसमें DTL 100 पे 20% 20 ये डिडक्ट हो जाएगा, नेट एसेट्स को 680 माना जाएगा, ठीक है, नेट एसेट्स को 680 माना जाएगा, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू 680 पे अकाउंट होंगे, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो NCI के लिए क्या बोला है, बोथ द मेथड से मेजर करना है, बोथ द मेथड से मेजर करना है, तो पहला तो प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड है, पहला तो प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से बताइए NCI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से बताइए NCI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
वेरी गुड, 170। फेयर वैल्यू मेथड से बताइए एनसीआई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फेयर वैल्यू मेथड 160 नहीं होगा ये रेंज ही, 160 क्यों होगा, 680 पे 25% है ना। फेयर वैल्यू मेथड से बताइए एक बार, फेयर वैल्यू मेथड से ट्राई कीजिए। तो यहाँ देखो 120 करोड़ के, 120 लाख के शेयर्स, उसमें 25% स्टेक इंटू 6, सब्सिडियरी के शेयर का फेयर वैल्यू 6, सब्सिडियरी के शेयर का फेयर वैल्यू 6, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है मनिंदर जी, आपने खुद तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ये होना चाहिए। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब इन्होंने बोला ड्यूरिंग 9 मंथ पीरियड पुअरर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, देयरफॉर ऑन 31 मार्च इट वॉज नेसेसरी टू रिकोगनाइज एन इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल था उसको 10% से इम्पेयर करना है। तो सिंपल कहानी है, 10% जो भी गुडविल यहाँ दिख रहा है वो 10% से इम्पेयर हो जाएगा। फर्स्ट केस में गुडविल 195 का है, सेकेंड केस में गुडविल 205 होगा है ना। तो 10% से इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 19.5, यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 20.5। सवाल उठेगा, अरे मनिंदर जी क्या नहीं समझे, देखो सब्सिडियरी के शेयर्स है 120, सब्सिडियरी के शेयर्स है 120, एनसीआई के पास 25% शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 25, और सब्सिडियरी के शेयर का फेयर वैल्यू 6 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 रुपये फेयर वैल्यू दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई करना है सबको। 120 का 25% शेयर सब्सिडियरी के एनसीआई के पास है मल्टीप्लाइड बाय एक एक शेयर का फेयर वैल्यू 6 रुपये, एक एक शेयर का फेयर वैल्यू 6 रुपये, बस और क्या है उसमें, और तो कुछ है ही नहीं है ना। चलो तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये लॉस पीएल में जाता है बराबर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी आपके लॉसेस होते हैं, सब्सिडियरी का प्रॉफिट, सब्सिडियरी का लॉसेस फ्यूचर में, इंडियस 110 फ्यूचर में, ये दोनों होल्डिंग और सब्सिडी, होल्डिंग और एनसीआई दोनों में एलोकेट होते हैं, दोनों होल्डिंग और एनसीआई में एलोकेट होते हैं। समझ में आया? यानी 20.5 का लॉस है तो होल्डिंग कंपनी और एनसीआई दोनों में 75-25 एलोकेट हो जाना चाहिए, 15.375 और 5.125। ये समझा, ये समझा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। 75% होल्डिंग के पास है, 25% एनसीआई के पास है, तो अगर कोई भी लॉस होता है तो लॉस दोनों में एलोकेट होना चाहिए, होल्डिंग और एनसीआई। यहां तक समझ में आया क्या, बताइए। बताइए बताइए, पर प्रपोर्शनेट एसेट मेथड में ऐसा नहीं होता, सिर्फ गुडविल के इम्पेयरमेंट पे, सिर्फ गुडविल के इम्पेयरमेंट के केस में प्रपोर्शनेट एसेट मेथड में ऐसा नहीं होगा। क्यों सर? ये एनसीआई का वैल्यू आपने कैसे निकाला 170, ये एनसीआई का वैल्यू आपने कैसे निकाला 680 को दिमाग में रख के, क्या 680 में गुडविल इंक्लूडेड है? आप बताइए, जब आप सब्सिडियरी के नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं
जो आप सब्सिडियरी के नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं 680, क्या उसमें गुडविल इंक्लूडेड है? बताइए यस या नो। मैं आपको एक दूसरा टेक्निक बताता हूँ भाई। देखा जाए तो 705 देखे मेरा अधिकार यानी होल्डिंग कंपनी का अधिकार उस सब्सिडियरी के नेट एसेट्स पे सिर्फ 75% है। सब्सिडियरी के नेट एसेट्स पे सिर्फ 75% है, यानी 680 में आपका अधिकार सिर्फ 75% है। 680 में आपका अधिकार सिर्फ 75% है, यानी 510 है ना। एनसीआई को भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए, एनसीआई को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 680 के सब्सिडियरी के अधिकार में से आपके पास अगर 75% स्टेक है तो आपका अधिकार 75% है, 25% अधिकार एनसीआई का है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ ना, 705 और 510 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 195 आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप देखेंगे तो इस गुडविल में एनसीआई का गुडविल अकाउंट ही नहीं हुआ है, इंक्लूडेड ही नहीं है। इस गुडविल में एनसीआई का गुडविल अकाउंट ही नहीं हुआ है, इंक्लूडेड ही नहीं है। मुद्दा समझ में आया? तो जिसने भी नहीं बोला वेरी गुड, हिमांशु जी नहीं इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है। बस ये प्रूव किया मैंने, यहाँ ग्रीन पेन से मैंने यही प्रूव किया। नीचे ऐसा नहीं होगा, फेयर वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होगा, आप लेके देखना। यहाँ पे भी अगर आप ऐसे ही करोगे तो 195 आएगा, जबकि आपका गुडविल सेकंड मेथड में आपने 205 निकाला। मतलब जो एडिशनल गुडविल आ रहा है ना, वो एनसीआई के गुडविल का मेजरमेंट आ रहा है। फर्स्ट केस में मैं प्रोपोर्शनेट भी लूँ तो भी 195 भी आता है। मुद्दा समझा? यानी इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल सिर्फ होल्डिंग कंपनी को एलोकेट होना चाहिए। अरे जब एनसीआई का गुडविल ही नहीं निकाला, तो एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस उनको क्यों होगा? उनका गुडविल निकाला ही नहीं है, पूरा गुडविल सिर्फ होल्डिंग का निकाला है, तो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल भी सिर्फ होल्डिंग को एलोकेट होगा। समझा? पूरा का पूरा होल्डिंग को एलोकेट होगा 19.5, अपोर्शन नहीं होगा होल्डिंग और एनसीआई में। ये समझा? क्लियर है? बताइए कोई डाउट यहां तक? चलिए हम कल सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट के पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम आरटीपी एमटीपी से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? हाँ, फेयर वैल्यू में दोनों का ही रेंज है, करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन भी हम आरटीपी एमटीपी से करेंगे। ठीक है? मैं लिंक्स आप लोगों को कल का जो हमारा अपकमिंग वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, अगर सब्सी की बुक्स का गुडविल इंपेयर होता है फिर कंसो में क्या होता है? अगर सब्सी का गुडविल इंपेयर हो रहा है मनिंदर जी, तो दोनों में एलोकेट होगा, होल्डिंग और एनसीआई दोनों में एलोकेट होगा। अगर सब्सी के पास कोई गुडविल पड़ा है तो, इतना ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, ये पिछले बार ही आरटीपी एमटीपी में ऐड किया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन हम कल ले लेंगे, दो क्वेश्चंस के हम वीडियोस, कल का जो हमारा पार्ट 2 रहेगा ईसी का 103 का पार्ट 2, मैं उसमें ये रिवर्स एक्विजिशन और ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, इन दोनों की लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है? 13 वाला क्वेश्चन हम लोग कल ले लेंगे, और इसके अलावा हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है, तीन क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे हमारे लाइव सेशंस का। कल पार्ट 2 सुबह 10 बजे। ठीक है? पहली बता रहा हूँ। और इसके अलावा किसी को बूस्टर फास्ट ट्रैक परचेज करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।